संसद के शीतकालीन सत्र का आज से आगाज। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का विधेयक पेश करेगी सरकार। दोपहर 12 बजे के बाद पेश हो सकता है बिल। सत्र से पहले मीडिया से बात कर सकते हैं पीएम मोदी। सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है विपक्ष और कांग्रेस ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस की बैठक से टीएमसी ने दूरी बना ली है। महंगाई, पेगासस, बेरोजगारी, लखीमपुर कांड पर घेरेगा विपक्ष। तो विपक्ष ने भी रणनीति बनाई है और कई ऐसे मुद्दे जिस पर घेरने की रणनीति बनाई है। आपको बता दें, इससे पहले कल जब बैठक हुई थी, सर्वदलीय बैठक, तो उसमें भी ये मुद्दे उठाने की बात कही गई थी कि महंगाई, पेगासस, बेरोजगारी, ये मुद्दे उठाए जाएंगे। वहीं महत्वपूर्ण आज रहेगा तीन कृषि कानूनों को रद्द करने का विधेयक पेश करना। और हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति जुड़ गई हैं। अदिति, शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, लेकिन गर्मी अब इसमें बनी रहेगी? बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि BAC यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की आज बैठक है, जो 10:30 बजे होगी। जो हम बात कर रहे हैं लगातार कि आज रिपील होगा, क्या प्रोसेस होगा, क्या चीज होगी, वो इस BAC की बैठक में डिस्कस किया जाएगा। और अब आज उस BAC की बैठक में जो जो भी मुद्दे पर पूरे हफ्ते भर में चर्चा होगी, उस पर भी जो है डिस्कशन किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में तीन कृषि कानून को वापस लेने के फैसले की घोषणा की थी। इसी प्रश्नपूर्ण में कुछ दिन बाद ही मंत्रिमंडल कानून को निरस्त करने के संबंधित विधेयक को भी मंजूरी दे दी। आज जो BAC की बैठक होगी और आज का जो शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जैसा आपने बताया मेघा, कि जो विपक्ष है वो लगातार तैयार है उन सारे जी अदिति आवाज आ रही है आपको? चलिए, तो आपको बता दें, आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन अब ये जंग जबरदस्त होगी। और वो इसलिए भी क्योंकि ये शीतकालीन सत्र, जिसमें सरकार जो है तीन कृषि कानून उसको निरस्त करेगी, विधेयक पेश होगा उसको लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। पेगासस हो, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर घेरने की ये रणनीति बनी है। विपक्ष की बैठक भी आज होनी है, लेकिन टीएमसी के लिए कहा जा रहा है कि टीएमसी इसमें शामिल नहीं होगी। वहीं आप भी शामिल होगी या नहीं, इस पर भी अभी संशय है। लेकिन क्योंकि ये विधेयक पेश होना है, तीन कृषि कानूनों को रद्द करने का विधेयक पेश करना, और ये सबसे महत्वपूर्ण, जिस पर आज सबकी नजर रहने वाली है, खासकर किसानों की, क्योंकि थोड़ा सा किसान जो है, जब निरस्त करने की बात कही गई कि रद्द किए जाएंगे, ये विधेयक पेश करेगी सरकार शीतकालीन सत्र में, जब प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये कहा, तो उसके बाद भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ। लेकिन आज जब ये विधेयक पेश किया जाएगा, उसके बाद क्या रुख होगा किसानों का, ये देखना होगा। दोपहर 12 बजे के बाद ये बिल पेश हो सकता है, और हो सकता है कि सत्र से पहले मीडिया से बात कर सकते हैं पीएम मोदी। और हमारे साथ सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, क्योंकि आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, सियासी गर्मी अब देखने को मिलेगी संसद में, और सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि जो तीन कृषि कानूनों का रद्द होना, विधेयक पेश होना। नहीं, बिल्कुल सही कह रही है मेघा आप, कि आज का दिन भारत के किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि उनकी करीब 1.25 साल पहले से चला आ रहा आंदोलन को जो है आज एक मूर्त रूप मिलने वाला है, और आज जो उनकी मांग थी उस अनुरूप जो है वो सरकार ने उनकी मांगों को मानते हुए इन तीन कृषि बिलों को वापस लेने का जो है वो ऐलान कर दिया था। हालांकि प्रधानमंत्री ने एक सार्वजनिक उद्बोधन के अंदर ये घोषणा की थी कि वो तीन कृषि बिल जो है वो वापस ले रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने उस समय अपने उद्बोधन में ये मजबूरी भी जताई थी कि हम देश के किसानों को समझा नहीं पाए या देश के किसान हमारी बात को समझ नहीं पाए। खैर, ये बातें अपनी अपनी जगह पे जो है वो अपने अपने तर्क से बिल्कुल ठीक होंगे, सरकार अपनी जगह ठीक होगी, किसान अपनी जगह ठीक होंगे, लेकिन अगर इस देश के अंदर आंदोलन का इतिहास उठा के देखें तो
किसानों का ये आंदोलन देश के सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन, आजादी के बाद देश के सबसे महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक है कि जिसमें करीब 1.25 साल से ज्यादा एक आंदोलन चला अपनी एक मांग को लेकर, और अंत में सरकार को किसान झुकाने पर मजबूर हुए और आज उसी की परिणति है कि आज संसद के अंदर 3 कृषि कानून बिल जो है वो वापस लिए जाएंगे। अगर हम दूसरी तरफ दिल्ली का आकलन करें तो आज के संसद सत्र को लेकर दिल्ली के अंदर सुरक्षा व्यवस्था खासी चाक चौबंद है। खास तौर से जो संसद के चारों तरफ जो है सुरक्षा व्यवस्था को काफी कड़ी कर दी गई है। हमारे दर्शक इस चीज को जानते होंगे कि जब मानसून सत्र हुआ था तो इसी कृषि कानून बिल के खिलाफ राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता है वो ट्रैक्टर पर बैठकर जो है संसद पहुंचे थे। तो आज इन सारी चीजों को जो है वो खासा मद्देनजर रखकर संसद की सुरक्षा को काफी कड़ा किया गया है। हालांकि एक सप्ताह पहले जब किसानों ने संसद मार्च की बात करी थी और वो बोले थे कि वो किसानों ने ऐलान किया था कि वो ट्रैक्टर से जो है दिल्ली को की तरफ कूच करेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने इस ऐलान को टाल दिया। लेकिन फिर भी दिल्ली की पुलिस काफी सतर्क है और उसने दिल्ली के जितने भी एंट्री पॉइंट है यानी कि दिल्ली में आने के जितने भी मुख्य रास्ते हैं उन सबके ऊपर सुरक्षा व्यवस्था को काफी जो है वो कड़ा कर रखा है। आज ये देखना है कि संसद सत्र जब शुरू होगा तो किस तरह से सरकार जो है बिल को संसद में पेश करेगी, क्योंकि मेरा एक चीज साफ है कि जिस तरह से बिल को पास किया गया था ठीक उसी प्रक्रिया के तहत जो है वो बिल को रद्द करने की प्रक्रिया होगी और सरकार संसद में बिल को पेश करेगी, बहुमत के आधार पर उनका जो है एक रद्द करने का जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी, उसके बाद जो है वो बिलों को बहुमत से रद्द कर दिया जाएगा और राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा अंतिम मोहर लगने के लिए। क्योंकि किसान इस बात पर आज भी अड़े हुए हैं कि वो तीनों कृषि कानून बिल न सिर्फ रद्द करे सरकार बल्कि MSP की भी जो है गारंटी दे, क्योंकि अभी परसों ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कृषि मंत्री ने कहा कि वो लिखित में MSP की गारंटी देने को तैयार है। तो ये देखना होगा अब कि तीनों कृषि कानून बिल रद्द होने के बाद संसद में क्या किसानों का आंदोलन खत्म होता है या वो अभी भी MSP की गारंटी को लेकर अपने आंदोलन को जारी रखते हैं। जी मेघा बिल्कुल, और सबसे बड़ा सवाल और जो देखने लायक चीज यही होगी कि अगर आज ये तीनों कृषि कानून जो है वो निरस्त हो जाते हैं, रद्द किए जाते हैं, विधेयक पेश किया जाता है, उसके बाद किसानों का रुख क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी हमसे जुड़ने के लिए।